हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभा एक ऐसी औरत थी जिसको अंधविश्वास में बड़ा यकीन था। वो हर काम फूक फूक कर करती। अगर गली में रात को कोई कुत्ता रोता तो उसकी सांसें थम जाती, क्योंकि उसे ये डर सताता कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसे ही वक्त बीतता है और प्रभा अपने 5 बेटों का रिश्ता तय करके घर आती है। तभी उसे एक कॉल आता है और कॉलर कहता है, जी प्रभा जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बोल रही हूँ, बताइए क्या हुआ। प्रभा जी, जो आपकी 1 साल की रुकी हुई पेंशन थी वो क्लियर हो गई है और कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में आ जाएगी। प्रभा ये सुनकर खुशी से कॉल कट कर देती है और अपने आप में ही भगवान का शुक्रिया करते हुए हाथ जोड़ कर कहती है, वाह वाह मुरली वाले, मेरी 1 साल की अटकी पेंशन निकल गई, मजा आ गया। ये सब कुछ मेरी 5 होने वाली शुभ बहुओं की वजह से हुआ है। मुझे जल्द से जल्द अपने बेटों की शादी उनसे करवा देनी चाहिए। जब रिश्ता पक्का होने पर शुभ समाचार मिल रहा है तो जब शादी हो जाएगी तब तो कितने ही शुभ समाचार मिलेंगे। इतना सोचकर खुश होते हुए प्रभा जल्दी से पंडित से अपने 5 बेटों की शादी की डेट निकलवाती है और अपनी 5 बहुओं को शादी करके अपने घर में ले आती है। लेकिन जैसा प्रभा ने चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वही कॉलर उसे एक दिन कॉल करके कहता है, हेलो प्रभा जी। अरे हेलो हेलो पेंशन वाले भैया, अरे आई नहीं पेंशन अब तक अकाउंट में, चल कर आ रही है क्या जो अब तक नहीं पहुंची। प्रभा जी मैं आपको यही बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि पेंशन नहीं आएगी, आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी गलती है तो आपकी पेंशन आने में थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर कॉलर कॉल कट कर देता है और प्रभा उदास हो जाती है। जब से उसकी 5 बहू सलोनी, प्राची, दीक्षा, सोनम और आरती उसके घर आई थी, उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था। एक दिन जब वो सब रसोई में काम कर रही होती है तो सलोनी से दूध का पतीला जमीन पर गिर जाता है और प्रभा ये देखकर वहाँ आकर कहती है, हे मुरली वाले, ये किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे तू, जो तूने मुझे इतनी पनौती बहुएं दे दी। और ये क्या सोनाली, एक तो दूध का नुकसान कर दिया और अशुभ भी कर दिया, पानी नहीं गिरा सकती थी क्या। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, जब पतीले में दूध था तो दूध ही गिरेगा ना, और गिर भी गया तो क्या हो गया, मैं साफ कर दूंगी। अरे तू तो साफ कर देगी, लेकिन अब जो दूध गिरने से अशुभ होगा वो कौन साफ करेगा। माँ जी आप भी ना किस जमाने में जी रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आप बेकार ही चिंता कर रही हो, सब अच्छा होगा। प्रभा का पूरा विश्वास था कि अब कुछ बुरा जरूर होगा। तभी वो बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती है और उसका बेटा अचानक दिन के समय ऑफिस से आकर कहता है, माँ मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे साथ जरूर बुरा हुआ है, मुझे पता था। पर माँ आप कैसे जानती हो, अभी तक तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। क्योंकि अभी मेरी 5 पनौती बहुओं ने दूध गिरा दिया और मैं समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है, यह हुआ है। चल अब बता क्या हुआ। कंपनी घाटे में थी माँ, और कंपनी वालों ने 5 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और उसमें मेरा नाम भी शामिल था। प्रभा मुकेश के मुंह से ये बात सुनकर इसका इल्जाम भी अपनी बहुओं पर डाल देती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। तभी एक दिन जब वो मंदिर जा रही होती है तो उसकी बहू प्राची उसे पीछे से टोकते हुए कहती है, अरे माँ जी रुकिए। अरे सत्यानाश हो तेरा बहू, तुझे शर्म नहीं आई मुझे टोकते हुए, ना जाने कब ये पनौती बहू मेरा पीछा छोड़ेगी। हाँ बक क्या काम है, क्यों टोका मुझे। माँ जी आप अपना ये पर्स ले जाना तो भूल ही गई थी, आप रिक्शा से मंदिर कैसे जाती, मंदिर तो दूर है ना। तो मेरे निकलने से पहले नहीं दे सकती थी, मुझे टोकना जरूरी था। प्रभा इतना कहकर जाने लगती है, तभी उसकी बहू सोनम भी आकर प्रभा को आवाज देती है और प्रभा घर के दरवाजे पर ही गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर दीक्षा कहती है, क्या हुआ माँ जी आप कैसे गिर गयी। अरे करम जली अब क्या तुझे गिर कर दिखाऊं कि कैसे गिरी, अरे टोकना जरूरी था, तुम सब की सब पनौती हो और अब उठाओ मुझे और सोफे पर पटको। सब मिलकर प्रभा को उठाकर सोफे पर पटक देती है और तभी उसकी बहू सोनम उसकी चिंता करते हुए प्यार से कहती है, माफ करना माँ जी मुझे नहीं पता था कि आप टोकने से गिर जाओगे, मुझसे गलती हो गई, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या। अरे गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, जो तुम जैसी पनौती बहुओं को मैं अपने घर लेकर आई। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये गलती हमारी कैसे हुई, ठीक से आप नहीं चल रही थी, गिरी आप,
और गलती मेरी या हम सब की बता रही हैं। ये बात तो गलत है ना। प्रभा गुस्से में आकर अपनी बहू की किसी बात का जवाब देने लगती है कि तभी वहाँ उसका बेटा सुकेश आता है और अपनी माँ को ऐसे दर्द में सोफे पर पड़े देखकर कहता है, अरे माँ ये क्या हो गया आपको और ये चोट कैसे लगी? अरे क्या बताऊँ, मैं तो अच्छी भली मंदिर जा रही थी और मेरी इन पनौती बहुओं ने मुझे टोक दिया। मुझसे देरी हो गई और मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। हे मुरली वाले, ये पनौती बहुएं मुझे ही क्यों दी तूने? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इनको अपने घर की बहू बना के। माँ गलती नहीं, आपने सबसे अच्छा काम किया। आपको पता है जिस मंदिर आप रोज जाती थी ना, वहाँ पे आज शॉर्ट सर्किट हो गया जिसके कारण आग लग गई, जिस वजह से 5 भक्त मर गए। अगर आप वहाँ जाती तो आप भी उनमें से एक हो सकती थी। अगर आपको लगता है आपकी बहू की वजह से आप मंदिर नहीं जा पाई तो आप खुश नसीब है। क्या बेटा तू सच कह रहा है, वहाँ आग लग गई? हाँ माँ सच, और अच्छा है ना कि आप वहाँ नहीं गई, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको छोटी सी चोट लगी है, अगर वहाँ जाती तो आप जलकर मर जाती। कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ ये बात तो है, वहाँ मैं जलकर मर जाती, उससे अच्छा तो यहाँ मेरे घुटनों पर ही चोट लगी है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ हाथों में मिठाई लिए हुए मुकेश आता है और अपनी माँ को दर्द से सोफे पर करहाते देख कर कहता है, अरे माँ ये आपको क्या हो गया बताओ मुझे। अरे छोड़ बेटा, अब तुझे क्या बताना, तू वैसे ही अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान है। अच्छा चल ये बता, तू हाथों में मिठाई लेकर इतना फुदक क्यों रहा है? माँ अब मैं जरा भी परेशान नहीं हूँ, ये लो माँ मिठाई खाओ, मेरी बहुत ही अच्छी जगह नौकरी लग गई है, वो भी 3 गुना सैलरी में। अगर आपको लगता है कि उस दिन आपकी बहू के दूध गिराने से मेरी नौकरी गई हो तो अच्छा हुआ, अगर मेरी वो नौकरी नहीं जाती तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी कभी नहीं मिलती। इसका ये मतलब है कि मेरी 5 बहुएं पनौती नहीं बल्कि मेरे लिए लकी है और मैं बेकार में इनको पनौती समझ समझ कर सुना रही थी। नहीं माँ जी, लकी अनलकी जैसा कुछ नहीं होता। ये कहना गलत है कि किसी के आने से कुछ अच्छा होगा तो उसे लकी कहेंगे और अगर किसी के आने से कुछ बुरा हो गया तो उसे अशुभ या फिर अनलकी का टैग दे देंगे। हाँ माँ जी, ये सब किस्मत का खेल है और आपके कर्मों का कि आपके साथ कैसा होगा। माँ जी आपसे ये गुजारिश है कि हमको ना ही शुभ मानिए ना ही अशुभ। हाँ जी माँ जी, ये सब तो चलता रहता है, किस्मत है, कभी हमारे साथ अच्छा होता है कभी हमारे साथ बुरा होता है, तो हम क्यों इन सब का इल्जाम किसी और पर लगा कर उसे शर्मिंदा करें। तुम सबने सही बात बोली, मैं बस अंधी हो गई थी जो तुम्हारे गुणों को छोड़कर ये सब शुभ अशुभ जैसी पनौती बातों में लगी हुई थी। मुझे सब माफ कर दो बहुओ, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद प्रभा को अपनी गलती का एहसास होने पर वो ये शुभ और पनौती के फेर से निकल कर बाहर आती है और उसके बाद कभी अपनी बहुओं पर शुभ और अशुभ का इल्जाम नहीं लगाती। ऋचा एक कमरे में अपने ससुराल वालों की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और वो भी ऐसी तस्वीरें जिन सभी पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। ऐसे में वो गुस्से से उन तस्वीरों को घूरते हुए बोलती है, सुरेश सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ना तुम्हारे परिवार वालों को। एक एक को मोहरा बनाकर सबसे बदला लूंगी और तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब है जो मुझे पूरा करना है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, जैसे बेरहमी से तूने मेरे माँ पापा को मार डाला था ना। वो ये सब बोल ही रही थी कि इतने में उसका फोन बजता है और वो कॉल पिक करके कहती है, जी माँ जी। अरे बहू तू कहाँ रह गई, अब तक तूने गरीबों को खाना नहीं खिलाया क्या? नहीं माँ जी, मैंने गरीबों को खाना भी खिला दिया है और उन्हें दान भी कर दिया है, बस रास्ते में ही हूँ। इतना कहकर वो उस खुफिया कमरे से निकलती है और चलते चलते मंदिर के पास पहुँच जाती है, साथ ही हाथों में पूजा की थाली लिए ड्राइवर से चलने को कहती है और कार में बैठकर अपने ससुराल वालों के पास पहुँच जाती है और आते ही अपनी माँ जी के पैर छूकर कहती है, माँ जी मैंने आपका सारा काम विधि पूर्वक संपन्न कर दिया है। जीती रे बहू, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे पंडित जी ने कुछ कहा? नहीं माँ जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब अच्छे से हो गया। ठीक है बहू। कुछ ही देर के बाद सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ उसका ससुर सुरेश सिंघानिया, उसकी सास स्वामिनी, साथ में पति विराट और देवर मिहिर बैठा होता है। तभी उसके ससुर खाना खाते हुए कहते हैं, अरे बहू सब्जी में नमक मिर्ची कुछ भी ठीक नहीं है,
जरा नमक देना। ठीक तो तू भी नहीं है सुरेश सिंघानिया, मेरा पस चले ना तो तुझे मिर्ची खिला खिला कर ही मार डालूं और उसके बाद तू पानी की बूंद बूंद के लिए तरसे। अरे बहू जरा अपने पापा जी को नमक लाके दे दे थोड़ा। जी माँ जी। रिचा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, तुम लंच ऑफिस में भिजवा देना। जी। भाभी वैसे खाना बहुत टेस्टी बनाया है आपने, आई लव इट। थैंक यू मिहिर। वक्त बीतता जाता है, रिचा अपने सर्वगुण संपन्न होने की एक्टिंग अपने ससुराल वालों के आगे बरकरार रखती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसके कमरे के आगे से गुजरकर सीढ़ियों से उतर रही होती है कि रिचा झुककर चुपके से कंचे वहां पर डाल देती है और ये सारे कंचे जब उसकी सास के पैरों के नीचे आते हैं तो वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है। इतने में ही रिचा वहां पर अपनी सास को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी सास को बचा लेती है, लेकिन उसकी सास के पांव में मोच आ चुकी होती है तो उसे संभालते हुए रिचा बोलती है, माँ जी ध्यान कहाँ है आपका, अरे आप जरा सा भी ख्याल नहीं रखती हैं। देखिए लग गई ना आपके पैर में चोट, अगर मैं सही समय पर नहीं आती भगवान ना जाने क्या हो जाता आज आपके साथ। अरे बहू जब तू है मेरे साथ तो मुझे क्या ही हो सकता है, भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बहू से जो नवाजा है। अरे क्या हुआ स्वामिनी, बहू क्या हुआ, ये आवाज कैसे? पापा जी वो माँ जी का पैर फिसल गया सीढ़ियों से और वो गिर गई। बहू ध्यान से ले जाओ स्वामिनी को। जी पापा जी। पागल बुढ़े ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, सबको मारूंगी। रिचा अपनी सास को कमरे में ले जाती है और उन्हें बाम लगाने को कहती है। हाय राम जी मेरा पैर। अरे बहू रहने दे तू, मैं खुद लगा लूंगी। अरे माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पैर पर अच्छे से बाम लगा दूंगी और आपको दर्द का पता भी नहीं चलेगा, और फिर मैं सरसों का तेल गरम करके रोज मालिश भी तो करूंगी, देखना कल तक आपको बढ़िया आराम आ जाएगा एकदम। ठीक है बहू। इतना बोलकर वो अपनी सासू माँ के पाँव में बाम लगा देती है। वक्त बीतता जाता है, ऐसे ही एक दिन सुरेश सिंघानिया अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और सभी लोगों को वहां बुलाता है। इसी बीच रिचा कैंडल लाइट डेकोरेशन का फायदा उठाते हुए वो कैंडल्स को पर्दे के पास रख देती है और रिचा सारे घर की खिड़कियां दरवाजे चुपके से बंद कर देती है और खुद घर से बाहर आ जाती है। साथ ही हवा की वजह से जब पर्दा आगे होता है तो उसमें आग लग जाती है जिससे धीरे धीरे पूरे घर में आग फैल जाती है। तो वहीं रिचा को ये सब कुछ करते हुए मिहिर देख लेता है, वो जल्दी से अपनी माँ को लेकर बाहर आता है लेकिन अपने पापा और भाई को नहीं बचा पाता, वो इस बढ़ती आग में जलकर खाक हो जाते हैं। ये सब होता हुआ देख रिचा घर के बाहर खड़ी होकर खुद से कहती है, आज मेरा बदला पूरा हुआ पापा, आज इस घर में चलकर ये सारे लोग खाक हो जाएंगे और मेरे दिल में लगी हुई आग को आज शांति मिल जाएगी। कुछ ही देर के बाद रिचा देखती है कि मिहिर अपनी माँ को बाहर लेकर आ रहा है तो वो उन्हें देखकर बोलती है, ये बुढ़िया जिंदा कैसे बच गई, मैंने तो सबको इस आग में जलाने का प्लान बनाया था और ये मिहिर ये भी बच गया, कोई बात नहीं इन दोनों को तो मैं खुद संभाल लूंगी। बहू तेरे पापा जी और विराट दोनों नहीं बचे। क्या माँ जी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, विराट मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। अगले दिन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो वहीं मिहिर रिचा पर नजर रखते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि रिचा का असली नाम दिव्यांका है और उसने अपने बदले के लिए उसके पिता और उसके भाई को मार दिया है और एक दिन मिहिर उसका पीछा करते करते रिचा के उस खुफिया कमरे में पहुंच जाता है और छुपकर उससे बोलता है, दिव्यांका कौन है यहाँ, मेरे सामने आओ और तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता। मैं मिहिर और तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ, अब बता दो कि तुमने मेरे पिता और भाई को क्यों मारा। तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई गुनहगार थे मेरे, उस सुरेश सिंघानिया ने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरा छोटा सा घर जला दिया, मेरे माँ पापा को उस जलती आग में मरने के लिए छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ, उस रात मेरे पापा उस जलती आग में चिल्ला रहे थे,
जैसे ही रिचा उस गहरी आग से और घर से बाहर निकलती है, तब तक रसोई तक आग पहुंच जाती है और सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। रिचा की आंखों के सामने ही उसके घर के चीथड़े उड़ जाते हैं, जिसमें उसके मम्मी और पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। मैं नहीं मानता यह सब सच है। तुम कोई भी मुझे मनधरन कहानी सुनाओगी और मैं उसका यकीन कर लूंगा। अरे कभी नहीं। मुझे पता था कि तुम कभी नहीं मानोगे। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तभी रिचा एक पुराना मोबाइल लेकर आती है और उसमें एक ऑडियो प्ले करके मिहिर को सुनाती है। देखो नैतिक, जो कुछ भी तुमने देखा है और सुना है वो सब भूल जाओ। अगर बाहर जाके तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। मैं आपको आज तक कितना अच्छा समझता रहा और आप एक नंबर के घटिया इंसान है। मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा कि आपकी कंपनी में जो जूस बनाया जाता है वो एकदम घटिया किस्म का है और जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है। मैं सबको यह बात बता दूंगा। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा ना हो उन मरे लोगों में तेरा भी नाम शामिल हो जाए। ओके, जो करना है आप कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑडियो सुनने के बाद मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, पक्का। और कभी किसी से भी इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगा। दोनों वहां से वापस घर आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और रिचा मिहिर के साथ मिलकर अपना बिजनेस संभालने लगती है। कुछ ही समय के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद स्वामिनी उन दोनों की शादी करवा देती है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।